करीब 50,000 के करीब बच्चे अकेले करनाल जिले से हैं। और सीईटी के लिए जब ये फार्म भरवाए गए थे तो उस टाइम पे कहा गया था कि सीईटी क्वालिफाई करना है, 50 नंबर लेके जनरल कैटेगरी वाले, 40 नंबर लेके रिजर्व कैटेगरी वाले, ये पैमाना था। लेकिन अब जब ग्रुप सी का सीईटी पेपर लिया गया और अब सरकार ये कह रही है कि भाई हम तो इसको जो जितनी वैकेंसी होगी उससे 4 गुना वो लेके उन्हीं का पेपर लेंगे नेक्स्ट, जो मेन पेपर होना है। अब ये फर्स्ट पेपर था तो, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार जब पहले ये कह चुकी है कि क्वालिफाई होगा तो अब क्वालिफाई होने में क्या प्रॉब्लम है भाई। तो सीईटी एक पहली डिमांड है हमारी कि सीईटी क्वालिफाई नेचर ही होना चाहिए। दूसरा, सीईटी के जो फॉर्म भरवाए गए थे उस टाइम पे ये कहा गया था कि भाई उसमें जो स्पोर्ट्स कोटे के लिए अप्लाई करवाया गया था, क्योंकि ये कह रहे हैं सीईटी के तहत हम करीब 50,000 वैकेंसी निकालेंगे। अगर ये 50,000 वैकेंसी निकाल लेंगे तो 3% कोटा आप लोगों को ध्यान होगा इन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन दोबारा जब हमने उसके आंदोलन किया तो वो वापस शुरू हुआ था। और उसके लिए करीब ये मान लो अगर 50,000 वैकेंसी है तो 1500-1600 वैकेंसी होगी। लेकिन अब क्या इन्होंने झोल कर दिया, उन्होंने कहा है कि खेल कोटे के द्वारा सीईटी में भर्तियां नहीं करेंगे हम। ये तो खुद इन्होंने कहा था कि भाई हम करेंगे, अब कह रहे हैं कि केवल 3 विभागों में करेंगे। तो 3 विभागों में कैसे करेंगे, कितनी करेंगे? तो हम मुख्यमंत्री साहब, खेल मंत्री साहब, ये क्लियर तो कर दो, मामला झोल है क्या? किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो दो इशू हैं, इन दो इशू को लेके हम 6 तारीख को मंगलवार को बीजेपी के राज्य कार्यालय रोहतक में घेराव करेंगे और वहीं पे दंगल करवाएंगे। दंगल मतलब खेल वहीं पे करवाएंगे, क्योंकि ये सीईटी का मामला है और खिलाड़ियों का मामला है, ये दो इशू हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये अभी ये डीपीआरओ का ये निकला हुआ है, ये ट्वीट है जो गवर्नमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, इसमें इन्होंने कहा हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी के पदों के लिए और खिलाड़ियों के लिए अलग से 3% वर्ष विज्ञापित कुल कोटा देने का निर्णय किया। मुख्य सचिव कौशल ने बताया अलग कोटे में कुछ चुनिंदा विभाग जैसे गृह विभाग, खेल विभाग, युवा मामले, स्कूली शिक्षा, मौलिक, ये होंगे। यो क्या मतलब है? अब ये देखो, ये उस टाइम का ट्वीट, ये सीएमओ हरियाणा का ट्वीट है, मेरा तो है नहीं। अब ये देखो, इसमें मुख्यमंत्री का आज बैठक में खिलाड़ियों तृतीय श्रेणी नौकरी में दर्शे आरक्षण जारी रखने, जो खत्म कर दिया था अब कह रहे हैं ये जारी रखने, और इन्होंने सारे विभागों में बोला। ये संदीप सिंह खेल मंत्री है, ये देखिए माननीय मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में बैठक में आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत नौकरियों में 3 दर्शे आरक्षण जारी रखने, जारी रखने का तो इतना उल्टा ले लिया था, दोबारा इन्होंने फिर ट्वीट किए। ये पंकज नैन डायरेक्टर है, स्पोर्ट्स डायरेक्टर है, जो खिलाड़ियों को श्रेणी गए में नौकरियों में 3% गए में आरक्षण पहले की तरह जारी रखने, ये तो यही लिख रहे हैं। फिर ये देखो आप, फिर इन्होंने पोस्टर बनवाया, अपना पोस्टर छपवाया, ये पोस्टर आप देखो, खिलाड़ियों का विकास सरकार का प्रयास, ग्रुप सी में पहले की तरह ही खिलाड़ियों को मिलेगा नौकरियों में 3% कोटा। अब ये मैं तो कह नहीं रहा, अब ये तो सरकार के लोग ही कह रहे हैं, सरकार के लोगों ने कहा, बताओ ये रहा। अब मेरे को ये बात समझ में नहीं आई, सरकार क्यों दुश्मनी ले रही है, क्यों बेरोजगारों में पीछे पड़ी हुई है? 3 साल में तो सीईटी हुआ है, ये कह तो रहे थे साल में 2 करवाएंगे, अभी ग्रुप सी का ही सीईटी हुआ है। तो हम सरकार की ये 2 डिमांडों को लेके, और इसमें करीब ये मान के चलिए करीब 11 लाख बच्चे सीधे प्रभावित हैं, एवरेज करीब 50,000 बच्चे, नौजवान लड़के लड़कियां जो बेरोजगार हैं, धक्के खा रहे हैं, वो प्रभावित हैं। तो हम सबसे यही कह रहे हैं, जितने भी कोचिंग है या कोच है, खिलाड़ी है, अकेडमी है, कोचिंग अकेडमी है, कि जब ये नौकरी देंगे नहीं तो फायदा क्या है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि एक क्लियर करा इस चीज में, ये मामला जो है, डिमांड जो है, ये बच्चों की है, क्योंकि हरियाणा के अंदर कोई कैलेंडर नहीं है नौकरी का कि कब पेपर होगा, आपकी कैलेंडर होना चाहिए यार, उस दिन पेपर होगा, उस दिन टेस्ट लिया जाएगा, उस दिन इंटरव्यू होगा, उस दिन लिस्ट लग जाएगी, कोई तो हो, टाइम बाउंड तो हो, 6-6, 7-6, 7-7 साल से वो हरियाणा पुलिस की भर्ती है, वो उठे बालक बैठे हैं जाड्डे में, खुले में, बताओ, तो कोई तो हो, टाइम बाउंड, कितने टाइम बाउंड में हम ये काम कर देंगे? और सारा दोष देते हैं फिर बड़का भाई, ऐसे गड़बड़ हो रही है, ऐसे गड़बड़ हो रही है। तो इन इश्यू को लेके हमें लोगों के बीच में जा रहे हैं।
तो सर जताना क्या चाहता है प्रशासन सरकार क्या जताना चाहता है इस प्रकार से? मन्नत तो बेरा निकी जताना चाहो, इसका तो मतलब यही है कि 2024 का जो चुनाव है, 2024 के चुनाव के बाद भर्ती करेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। उससे पहले तो ये भर्ती करने वाले हैं नहीं, उससे पहले 5-10 हजार नौकरी निकाल के भर्ती कर देंगे। बाकी इनका जिस तरह पिछली बार हुआ था वही सेम आगा कि 2024 के चुनाव में लोग भर्तियों के चक्कर में वोट दे देंगे, बस यही है मेरा।